सेबी द्वारा NCDEX को इंट्राडे में पोजीशन की अनुमति नहीं देने और कमोडिटीज को नए कॉन्ट्रैक्ट शुरू करने पर एक साल के लिए रोक के कारण सोयाबीन जनवरी वायदा की कीमतों में जोरदार गिरावट देखने को मिली है। सोयाबीन में केवल मौजूदा पोजीशन को पूरा करने की अनुमति होगी। चालू रबी बुआई के मौसम में गेहूं, दलहन और मोटे पोषक अनाज का रकबा अभी कम है, लेकिन तिलहन का रकबा पिछले साल की तुलना में लगभग 22% बढ़ा है। सोपा के अनुसार अक्टूबर नवंबर के दौरान सोयाबीन की आवक पिछले साल के 37 लाख टन की तुलना में 29 लाख टन रही है, जबकि समान अवधि में सोयामील निर्यात वर्ष दर वर्ष 38% घटकर 10.4 लाख टन रह गया है। USDA की नवंबर की मासिक रिपोर्ट के अनुसार भारत में सोयाबीन का उत्पादन माह दर माह 8% बढ़कर 11.9 मिलियन टन हुआ है, जो दिसंबर में अपरिवर्तित है। हाल ही में सरकार ने देश में GM सोयामील के अतिरिक्त आयात को मंजूरी नहीं देने का फैसला किया है, क्योंकि यह घरेलू खपत के लिए पर्याप्त उत्पादन करेगा। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए नए पोजीशन की अनुमति नहीं देने के एक्सचेंज के सर्कुलर के बाद खाद्य तेल की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। वायदा में जो सोयाबीन 6400 के स्तर पर थी, वो अब घटकर 5800 से 5900 के सीमित दायरे में कारोबार कर रही है। रिपोर्ट मार्केट टाइम्स की। आपके कारोबार के लिए फंड और लोन जुटाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।